हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे कि मैं एमएलएम लैब के ऊपर वीडियो बनाऊं। फ्रेंड्स, एमएलएम लैब बेसिकली एक पीएचपी स्क्रिप्ट है जो लारावेल पे क्रिएटेड है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमएलएम लैब को किस तरीके से इंस्टॉल करना है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो आप इसे यहाँ से बाय कर सकते हो। इसको बाय करने का ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, क्योंकि ये $99 का है तो इसलिए मैंने इसे बाय नहीं किया है। मैं इस वीडियो में एक नल स्क्रिप्ट का यूज करूंगा आपको दिखाने। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम जैम को ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जैम का यूज कर रहा हूँ अपने लोकल होस्ट में इस स्क्रिप्ट को रन करने के लिए। मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा आप किस तरीके से इसे लाइव सर्वर पे भी अपलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपाचे एंड MySQL को स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों को स्टार्ट कर दिया है और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लोकल। तो ये हमारा अपाचे का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे phpMyAdmin को ओपन कर लेता हूँ। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हमें यहाँ पे एक डाटाबेस क्रिएट कर लेना है। तो डाटाबेस मैं क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा और डेटाबेस का नाम डाल देता हूँ मैं यहाँ पे MLM लैब। मैं इस डाटाबेस का नाम हमने यहाँ पे MLM लैब डाल दिया है और यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ प्रिविलेजेस पे क्लिक करना है और उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे ऐड यूज़र अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे यूज़र नेम डाल देना है। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पे MLM लैब ही डाल देता हूँ ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे हम होस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, रीटाइप करना है हमें पासवर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारी डिटेल डाल दी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपको यहाँ पे चेक ऑल पे क्लिक कर लेना है, यानी आपको सभी जो प्रिविलेजेस हैं वो दे देना है। और इसके बाद हम यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डाटाबेस क्रिएट कर दिया है MLM लैब के नाम से। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने PHP स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये फ़ाइल डाउनलोड की हुई है, आप जब इसे बाय करोगे तो आपको सेम यही फ़ाइल मिलेगी। तो यहाँ पे मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो हमने इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया फ्रेंड्स। इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इसके अंदर दो फाइल्स मिलेंगी, डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइल अपलोड। तो यहाँ पे मैं एक नल स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। आपको सेम यही फाइल मिलेगी जब आप इसे परचेज करोगे। तो मैं इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जिप फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसको ओपन कर लेते हैं। आपको ये फाइल फोल्डर मिलेगा तो आपको इसे कॉपी कर लेना है एंड अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे सी ड्राइव पे जाऊँगा, जैम्प को ओपन करूँगा, एस सी डॉक्स पे ओपन करूँगा और मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। फाइल को यहाँ पे पेस्ट करने के बाद फ्रेंड जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे असेट्स कोर इंस्टॉल एंड डॉट एच टी एक्सेस और इंडेक्स ये सारी फाइल मिलेगी। तो चलिए अब हम अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और मैं यहाँ पे एक और टैब ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको टाइप कर लेना फ्रेंड्स लोकल होस्ट स्लैश फाइल्स। देखिए मैंने इसको पहले भी इंस्टॉल किया था तो ये सारी आ गई है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कट करके इसको। लोकल होस्ट के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे टाइप करना है फाइल्स और ये जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो फाइल्स, इसको फिर मैं ओपन करता हूँ। उसके बाद आपको ये इस फोल्डर को ओपन करना है, यानी आपको टाइप करना है इंस्टॉल। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल भी कर देता हूँ क्लिक। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल टाइप कर देता हूँ। इंस्टॉल के बाद फ्रेंड्स जो ये इंडेक्स PHP फाइल है इसको आपको ओपन करना है अपने ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल टाइप कर दिया और ये इंडेक्स डॉट PHP ऑलरेडी यहाँ पे टाइप है। सेम यही चीज़ आपको ओपन करनी है ब्राउज़र पे। ये टाइप करने के बाद मैं एंटर हिट करता हूँ। जैसे ही आप एंटर हिट करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप इसे पढ़ लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री एंड नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स ये जितने भी एक्सटेंशन है वो चेक करेगा जो इसको रिक्वायर्ड है वो आपके सर्वर पे अवेलेबल है कि नहीं है। अगर फ्रेंड्स इनमें से किसी में आपको एरर शो होता है तो आपको सिंपली उस एक्सटेंशन को कॉपी करना है एंड गूगल कर लेना है कि
कि उसे किस तरीके से आप लोकल सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप लाइव सर्वर का यूज़ कर रहे हो तो आप सिंपली आपको अपने होस्टिंग प्रोवाइडर को बोलना है, वो एक्सटेंशन आपके लिए ऐड कर देगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे और ये सारी फाइल परमिशंस वगैरह चेक कर लेगा। उसके बाद यहाँ दोबारा से नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपने डेटाबेस की डिटेल फिल करनी है। तो जो हमने अभी डेटाबेस क्रिएट किया था कुछ देर पहले, तो वो डिटेल हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो हमने जो डेटाबेस का नाम डाला था वो डाला था MLM लैब। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डेटाबेस का जो होस्ट था वो हमने क्या सेलेक्ट किया था, लोकल होस्ट। तो यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है सजेशन में। उसके बाद हमने यहाँ पे डेटाबेस का यूजर नेम भी MLM लैब ही डाला था ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। और डेटाबेस का पासवर्ड मैंने डाला था TEST टेस्ट और 987654। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एडमिन की डिटेल्स डालनी है। तो मैं यहाँ पे एडमिन की डिटेल्स में एडमिन में जो यूजर नेम है एडमिन ही डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ टेस्ट @987654। ये फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एडमिन का ईमेल आईडी। तो यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी भी डाल दी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स कंप्लीट इंस्टॉलेशन यहाँ पे आपको मैसेज आ गया है और यहाँ पे कुछ हो रहा है, ईमेल एड्रेस ऑफ एडमिन हैज बीन सेट सक्सेसफुली, प्लीज़ डिलीट द इंस्टॉल फोल्डर फ्रॉम द सर्वर, प्लीज़ चेंज द एडमिन पासवर्ड एज सून एज पॉसिबल। तो ये फ्रेंड्स जो इंस्टॉल का फोल्डर है जो आप हमारे सर्वर पे है, आपको दिखाता हूँ मैं, ये जो है इसको डिलीट करने के लिए कह रहा है। तो आपको आफ्टर इंस्टॉलेशन फ्रेंड्स आपको इस फोल्डर को डिलीट कर देना है, नहीं तो आपको सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। तो मैं अभी इसको डिलीट ही कर देता हूँ। तो ये मैंने डिलीट कर दिया है और अब यहाँ पे गो टू वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट पे आ गए हैं। तो इसको तो किस तरीके से कस्टमाइजेशन करना है इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है अबाउट अस। और तो चलिए अब इसका एडमिन पैनल भी ओपन कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हो आप, गो टू एडमिन पैनल है, तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे आप एडमिन पैनल का जो लॉगिन है वो ये आ गया है। तो एडमिन पैनल का जो मैंने यूज़र नेम डाला था वो एडमिन डाला था और जो पासवर्ड था टेस्ट @987654। और यहाँ पे मैं लॉगिन कर देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा एडमिन पैनल भी यहाँ पे ओपन हो गया है MLM लैब का। तो देखा फ्रेंड्स कितने इजी तरीके से आप इस MLM लैब स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर सकते हो। इसके नेक्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स मैं इसकी सारी डिटेल आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इसे एडिट करना है। जैसे कि मैं आपको वेबसाइट अभी ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट ऐप पे। तो ये हमारी वेबसाइट है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरीके से इस होम पेज को चेंज करना है, अबाउट अस डिटेल आप किस तरीके से चेंज कर सकते हो, और ये सारे जितने पेजेस वगैरह आपको किस तरीके से चेंज करना है। और यहाँ पे जो इसका एडमिन पैनल है, एडमिन पैनल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरीके से ये यूज़र नेम वगैरह और इसका जो MLM प्लान है वो किस तरीके से आप सेट कर सकते हो, किस तरीके से फ्रेंड्स आपको इसे सेटअप करना है, ये सारी डिटेल्स मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ आप इसे किस तरीके से लाइव सर्वर पर इंस्टॉल करोगे। सेम प्रोसीजर है फ्रेंड्स, बस मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ कहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें करनी है अपने लाइव सर्वर पर। तो मैं एक लाइव सर्वर को ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे होस्टिंगर का अकाउंट ओपन किया हुआ है और यहाँ पे फाइल मैनेजर आपको शो हो रहा है। अगर फ्रेंड्स होस्टिंगर के अलावा आप किसी दूसरी होस्टिंग कंपनी का यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी आपको आपके सी पैनल में या फिर जो भी वो पैनल आपको देते हैं वहाँ पे फाइल मैनेजर का एक फोल्डर शो होगा। तो आपको उस फाइल मैनेजर फोल्डर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको पब्लिक HTML का एक फोल्डर शो होगा, आपको उस फोल्डर को ओपन कर लेना है। और उसके अंदर आपको ये जो फाइल वाली फोल्डर है जो मैंने यहाँ पे अपने htdocs वाले फोल्डर में लोकल सर्वर में पेस्ट किया था, आपको यही सेम फाइल इस पब्लिक HTML फोल्डर में अपलोड कर देना है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो डाटाबेस पहले मैंने क्रिएट किया था वो डाटाबेस आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। आपके सी पैनल में भी डाटाबेस को क्रिएट करने का एक ऑप्शन होगा। तो जैसे कि मैंने डाटाबेस में वहाँ पे MLM लैब डाला था, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डाटाबेस का नाम डालना है, यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है जो मैंने पहले PHP MyAdmin में क्रिएट किया था।
और उसके बाद आपको यहाँ पे एक डाटाबेस क्रिएट कर लेना है, और बाकी का जो स्टेप है बिल्कुल सेम रहेगा जो मैंने लोकल होस्ट पे क्रिएट करके आपको दिखाया था। तो देखा फ्रेंड्स कितने इजी तरीके से आप इस एमएलएम स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर सकते हो, एंड ना सिर्फ इसी स्क्रिप्ट को बाकी दूसरे और भी स्क्रिप्ट हैं, इन सबको इंस्टॉल करने का जो 99% जो प्रोसीजर है बिल्कुल यही होता है। तो फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इस एमएलएम लैब स्क्रिप्ट को कस्टमाइज़ करना सिखाऊंगा, किस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।